नाम हुआ कि फिर से प्रोड्यूसर की लाइन लग गई उनको करेक्टर रोल्स के साइन करने के लिए, विलन के रोल साइन करने के लिए, कॉमेडी के रोल साइन करने के लिए। थोड़ी सी मदिरा, थोड़ा सा पानी, इनसे आ गई तुझ पे जवानी। थोड़ी सी मदिरा, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी मदिरा, अरे मरवाएगी तुझे पढ़वाएगी, जीजा मरवाएगी तुझे पढ़वाएगी। मैं गोरखा, मैं गोरखा ते मैं पंजाबी, बन गया बुढ़ा शराबी, बन गया बुढ़ा शराबी। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जहां जो प्रेमनाथ जी के बिना बनता था, हर फिल्म में वो हुआ करते थे। देखा झोलझाल जी सरकार, तड़पता हुआ पंछी शेर के जंगल में शेर कोई चोंच मारने आया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं विश्वनाथ, क्योंकि हमें तड़प है तुम्हें तड़पाने की, जिंदा रख के तुम्हें जलाने की। जीएनके की एक उंगली का इशारा किसी घमंडी का कितना सत्यानाश कर सकती है वो तुम अच्छी तरह जानते हो, और बाकी रहे तुम्हारे अरमान। इनकी पिस्तौल बतौर निशानी खजाने में जमा कर ली जाए, और इंसाफ की ऐसी खातिर तवाज़ो की जाए कि जिंदा रहे भी लेकिन ना के बराबर। और जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ है, शायद ही कोई करेक्टर एक्टर हमारी इंडस्ट्री में इतना ऊंचा जाएगा। असली मूर्ति ना तुम्हारा पास है न पुलिस के पास है, एक हमारा पास है और दूसरी इनके पास है। मूर्ति तुम्हारे पास है कि नहीं? नहीं है, है। कहाँ है? नहीं बता, बता दो नहीं तो हम तुम्हारा उंगली काट देगा, टंगली तोड़ डालेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी टांगे मत तोड़िए, टांगे मत तोड़िए हमारी। मैं आपको बताता हूँ, बम्बई में काली गुफा है ना, वहां तीसरे खंबे के नीचे मैंने छुपाई हुई है। सच? अभी सच बोला, तुम हमारा दोनों कबूतर को संभालो, हम अभी मूर्ति लेकर आता है। उनका इतना वैल्यू हो गया था कि वो प्रोड्यूसर को उनका रोल चाहिए चाहिए था, हीरो से भी हीरोइन से भी बढ़कर वो अपना वजन रखते थे फिल्म में। और उनको अप्रोच करना बड़े बड़े प्रोड्यूसर की हिम्मत में नहीं थी, और प्राइस वाइज या स्टेटस वाइज या परफॉर्मर वाइज ही वाज रियली ग्रेट एंड ही हैड ए प्राइम टाइम दैट टाइम। यस यस, वेलकम टू बटालियन, वेलकम टू बटालियन। अरे अबे बाबा तुम शेरों और विक्रम को पहले ही से मिला दिया, हम सरप्राइज देने वाला था, तुम खराब कर दिया, हमेशा तुम हमको मारता है। सर मारेगा तो आपको ऊपर वाला। डैम गुड, डैम गुड, अब तुम्हारे वास्ते कमाल की चीज दिखाएगा। कमाल कमाल, हे कमिश्नर, हाउ आर यू, लुक आफ्टर माय गेस्ट। गुड इवनिंग सर। कमाल श्रीराज, आई विल शो यू दैट आउट। हे कमाल प्लीज, प्लीज सर, श्रीराज 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 माय लव्स बॉय, ओ श्रीराज। हे लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, हैव सम नाइस शैंपेन, व्हिस्की, जिन, ब्रांडी, व्हाट डू यू फील लाइक, एंजॉय योरसेल्फ। वो ऐसे स्टार बन गए कि कई बार उन्होंने अपने हीरोज या बड़े बड़े स्टारों से भी ज्यादा प्राइसेस लिए उन्होंने, और टर्म्स एंड कंडीशन उनके भी अपने मनमर्जी की थी, और वो जो अनाउंस करते थे वही उनसे लेते थे। इस ढंग से उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट का एक रुतबा इतना ऊंचा कर दिया कि कैरेक्टर आर्टिस्ट भी कभी सर उठा के कह सकता था कि हाँ मेरी पोजीशन है एक फिल्म के अंदर। तुम्हें हर बात का पता चल गया, लेकिन शंकर दादा का डिजाइन के आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकता अशोक साहब, तुम कुछ नहीं कर सकता, समझो तुम। इतने निर्दय मत बनो, तुम भी तो एक बाप हो, बाप के दिल से काम लो। अरे हमने बाप के दिल से काम लिया था साहब, अपने बेटे को अच्छा बनाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में नारियल थोड़ा था, लेकिन वो पत्थर छाप भगवान निकला, पत्थर छाप, न हमारे नारियल के चित्र का, न हमारे सच्चाई का।
अब हम भी पत्थरछा बन गया। तुम्हारा एक भी बात नहीं सुनेगा, तुमको पुलिस के पास जाना बनता है। जाओ रिपोर्ट लिखा, हमारे गुनाहों का कोई सबूत नहीं है और हम धर्म को तुमको नहीं देगा, धर्म को नहीं देगा। जाओ।